फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीके वर्ल्ड ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज वीकेंड राइड पे हम जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है महाशिवरात्रि। यस दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज है राइड डे। यस दोस्तों, राइड डे है, शिवरात्रि। आप सभी लोगों को हर हर महादेव। और आज की राइड हम लोग करने जा रहे हैं मेन मार्केट इगतपुरी। तो दोस्तों, इगतपुरी ये रहा एक पेट्रोल पंप जहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया है। और आपको मैं एक बहुत ही प्यारे लोकेशन इगतपुरी जहाँ पे लोग मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, ये रही मेरी सुजुकी बोगमैन। और आप इस डेस्टिनेशन पे अगर आना चाहते हैं तो वीकेंड्स पे ज़रूर आ सकते हैं। चलिए मेरे साथ मेन मार्क गेट की तरफ चलते हैं और आपको मैं वहाँ के प्यारे से नज़ारे हैं। मेन मार्क गेट, यस दोस्तों, इगतपुरी पे ये पड़ता है, मेडिटेशन सेंटर है। बहुत दिनों से इसका प्लान मैंने किया था बट मैं बना नहीं पा रहा था। तो अभी हाल ही हम लोग 37 किलोमीटर्स दूर है और तो जस्ट आपको आगे के नज़ारे, ऑलमोस्ट हम लोग घाट सेक्शन के पास पहुँच। मज़ा आ गया बॉस, क्योंकि ये टर्न को अगर आप शार्प तेज़ी से करोगे ना तो मिलेगा नहीं, और यही अगर आप प्यार से स्लो में खींचोगे तो ये टर्न बहुत प्यारे लगते हैं। अगर ज़ोर से खींचेंगे तो 2 मिनट में वो निकल जाएगा, बट अपने को शॉट चाहिए तो भाई, शॉट अगर चाहिए तो भाई थोड़ा स्लो रहेगा, वीडियो कैमरा इसको कैप्चर करेगा तभी आपको तो देखने में मज़ा आएगा। ये देखिए, ये लीन किया प्यार से। ओके ओके, तो ये इगतपुरी की प्यारी सी रोड्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। और रास्ते, यस दोस्तों, रास्ते आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते ज़रूर है, मगर वो रास्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको नोटिस करनी है। तो नज़ारों का तो मज़ा लेना ही है, रोड पे भी ध्यान देना है, रोड सेफ्टी को भी फॉलो करना है। और अगर आप प्रॉपर राइड करते हो तो ऑल गियर्स के साथ ज़रूर राइड करें, हेलमेट ज़रूर पहने राइड करते वक्त। तो दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, आप लोग सब समझदार हो, तो चलिए एंजॉय करते हैं व्यूज़ को। सो फाइनली दोस्तों, जिस घाट सेक्शन का हम लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली हम लोग घाट सेक्शन पे आ चुके हैं। और ये रास्ता आप घाट सेक्शन एंजॉय करिएगा, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और होप एंगल बहुत अच्छा आ रहा होगा, सामने जो बेंड्स आते हैं, टर्न्स आते हैं ना, वो देखने जैसे रहते हैं दोस्तों। तो इसी वीकेंड में इसी बैंड्स के मज़े लेने के लिए, इसी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए लोग आते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अक्सर लोग उल्टा रिवर्स आते हैं, तो ज़्यादा स्पीड में चलाइए। और ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलर्स जो गुजरते रहते हैं ना, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये जो गाड़ियाँ पीछे तो आ रही हैं, ये तो सबको ओवरटेक करके जाना रहता है। तो घाट सेक्शन प्यार से चलाएंगे, ट्रॉलर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पे कभी भी स्पीड से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गाड़ियों का रेला लगा ही रहता है, छोटे छोटे बेंड्स, टर्न, ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आराम से आप चलाइए, प्यार से इन वादियों का मज़ा लीजिए, सेम आते और जाते वक्त। तो ये पूरा जो घाट सेक्शन है, लगभग मेरे हिसाब से 10 मिनट या 15 मिनट में आप इसको 10 मिनट से अंदर ये कवर कर लेंगे। अगर आप फास्ट जाओगे तो इजी ये कवर हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, कैसे लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और तो नज़ारों के लिए आपको ऐसे प्यारी सी जगह पे आना पड़ेगा, नज़ारों को एंजॉय करना है। देखिए लकली, देखिए, ये देखिए, मैं कह रहा था ना उल्टा लोग आते हैं, ये देखो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा कंट्रोलेबल नहीं कर पाएंगे आप, बट अगर स्लो स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी लोग रॉन्ग साइड से आना नहीं छोड़ते, तो आपको अलर्ट ही रहना है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आप इन्जॉय करिए। फ़िलहाल तो ये ट्रैफिक, तो महाशिवरात्रि में लोग कहाँ जा रहे हैं? ओहो, ट्रेन का देखो, अब मैं तो देख नहीं सकता हूँ, कैमरा उधर करना पड़ेगा, बट कर लेंगे भाई, उसमें क्या है। वाह,
वो देखो वहाँ ट्रेन रुकी हुई है। दोस्तों ये देखो वंडरिंग लेक के लिए यहाँ पे आपको जाना है, ये रास्ता, ये भी एक सीनिक व्यू है, बारिश के सीज़न में बहुत अच्छा है। तो ये रास्ता पकड़ लीजिए, वीन गांव की तरफ चला जाएगा और आप वहाँ के भी नज़ारे अच्छे हैं। मैं लास्ट टाइम वहीं पे गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो दोस्तों फाइनली घाट का सबसे हार्ड सेक्शन टर्निंग वाला आ गया, तो स्लो चलाइए, क्या करना है अपने को। आज ट्रैफिक ज़्यादा ही है, वैसे आमतौर पे खाली रहता है ये बाबू, ट्रैफिक नहीं रहता यहाँ पे, बट आज ये ना, ये जो बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलर्स रहते हैं ना, इसकी वजह से दिक्कत होती है। अभी थोड़ी देर के बाद ये टर्न जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो एकदम खुला रास्ता आ जाता है सामने। कहाँ पे? बस ख़त्म ही हो गया लगभग घाट सेक्शन, नहीं थोड़ा सा और ऊपर है अभी, ये जैसे चढ़ा तो अभी उतरेंगे अपन, अभी है थोड़ा सा है। ये देखो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, गाड़ी अगर यहाँ पे कुछ हो गया ना गाड़ी को बेटा, वो सो फाइनली दोस्तों 10 मिनट बचे रह गए हैं, इगतपुरी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग मैनवा गेट के लिए मैंने डाला हुआ है, देखता हूँ वो कहाँ लेके जाता है वो अपनी को। वो तो यहाँ से आई थिंक नज़दीकी है, वैसे मैंने कैमरा अपना उस पर मैप पे डाला हुआ है, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट फिर भी ये लोग बोलते हैं सीधे रास्ता ही है, कुछ ज़्यादा डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर है नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा घाट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, अगर होप वीडियो अच्छी लगी। बट फिलहाल अभी भी दोस्तों अगर डेस्टिनेशन पे हम पहुँचे नहीं है, हार्डली 10 मिनट दिखा रहा है बट मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा ही होगा वो, तो अगर ये मोबाइल दिखा रहा है 10 मिनट तो 10 मिनट से ज़्यादा ही होगा ये। सो यस, सो फाइनली दोस्तों मैनमार गेट यहाँ से मुझे दिखा रहा है लगभग 4 मिनट, तो पास आ ही गए हम लोग। देखते हैं ये लोकेशन सही जगह लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। तो फाइनली अंदर है इसके, तो ये पतली सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो रहा, दूर से दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये रहा, वो देखो वो रहा। तो दोस्तों जैसे एक मिनट रुकता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो वो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, और ये आप ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं दूर से, मेडिटेशन सेंटर इगतपुरी का फेमस है, तो फाउंटेन्स के चारों बीच में,
और वो आपको वहाँ पे दिखाएगा। चलिए आपके उस वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे नज़ारे। रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप तो दोस्तों, ये रहा तपोवन और एक दमयंती गिरी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, चलो यहीं चलते हैं। यस, सो फाइनली गेट के एकदम पास आ चुके हैं डेस्टिनेशन। यस, लोकेशन पे पहुँच गए हैं। सो फाइनली हमको 10 बज गया। ये रही वो लोकेशन जिस पे लोग आना पसंद करते हैं। यस, फर्स्ट लुक। दोस्तों फाइनली मेनमा गेट वाली वीडियो लगी जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साइन ऑफ, मिलते हैं अगली सीन में। बाय।